16 साल का बच्चा महीने का 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए कमा रहा है तो ठीक है। माय नेम इज रौनक सेन, मैं मोस्टली सब टूर्नामेंट जीतता हूँ जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। क्या फेवरेट गेम कौन सा है? फेवरेट गेम मैं बोलूँगा डोटा 2 है, बिकॉज ज़्यादा मैंने 7-8 साल मैंने वही खेला है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में। गेमिंग इन जनरल मैंने चालू किया जब भी मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था। बड़ा भाई है, 5 से 6 साल बड़ा है, तो ऐसा गेमिंग कैफेज में जाता था और एक दिन मैं ऐसा देखा कि ये स्कूल के बाद कोई अलग अलग एली में जा रहे हैं, क्या सीधे इधर, तो उधर जाके देखा कि भाई उसके दोस्त लोग के साथ काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था। तो ऐसा मुझे भी कूल लगा है कि क्या है पीसी गेम्स वगैरह, तो चालू किया मैंने भी। विद इन आर कैफे सर्कल में काफ़ी अच्छा खेलता था, तो धीरे धीरे कॉलेज टूर्नामेंट जीतने लगा। स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, लाइक स्मॉल स्मॉल 5-10 हज़ार वाले टूर्नामेंट, यू नो, कैजुअली कैफेज, कॉलेज फेस्ट वगैरह में जा जा के खेलते थे। और वो टाइम पे लाइक दिस इज़ लाइक 2006-2007 ऐसा कुछ, तो एंड तभी ऑनलाइन गेमिंग डिड नॉट एग्जिस्ट इन जनरल, अपना इंटरनेट थोड़ा था वो टाइम पे, तो कैफे में होता था जो होता था। रैंडमली एक ऐसा टूर्नामेंट आया जिसमें लाइक फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गए खेलने, और उधर जाके देखा कि सीन काफ़ी बड़ा है उधर, लाइक 10-10, 15-15 हज़ार लोग आ रहे हैं क्राउड में देखने के लिए। हम लोग बोलते हैं हम लोग को तो सिर्फ 5 लोग के देखने की आदत है पीछे से, ये क्या चालू है इधर, क्राउड एकदम इनसेन था उधर, लाइक बहुत ज़्यादा लोग थे। तो उधर जाके लाइक मेरे घर वालों ने भी देखा और वो लोग को भी लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। लाइक एक बार अडिक्ट हो गया गेम से तो मैं दिन के एटलीस्ट 10-11-12 घंटे खेलता था। 7 से 1:30 तक स्कूल रहता था मैं, सुबह 6 बजे तक गेम खेलता था, फुल जॉम्बी मोड में स्कूल जाता था। उसके बाद थोड़ा एकेडमिक्स में हो गया सीन, बट इवेंचुअली गेमिंग में आगे चला गया तो इतना फर्क पड़ा नहीं। सो हाउ डिड यू डील कॉम्पिटिशन के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फर्स्ट टाइम जब भी गया था इट वॉज लाइक वी गॉट बीटन वेरी बैडली, लाइक ऐसा लग रहा था कि इतने साल से गेम खेल रहा हूँ ये कैसे हार गए, ऐसे कैसे हार गए। वो टाइम पे ऐसा लगा कि लाइक इन जनरल वो लोग का प्रैक्टिस रेजिम बहुत डिफरेंट है हम लोग से। हम तो दोपहर के 4-5 बजे सो के उठते थे और जब भी मूड आया गेम खेलते थे। बाद में पता चला कि उधर एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पहले से है जो सुबह 9 बजे लोग उठते हैं, लाइक बूट कैंप सेटअप में सुबह 9 बजे लोग उठते हैं, जिम जाते हैं, सब मेंटल भी फ्रेश रहता है वो लोग का, और गेम में भी लाइक इनसेन ग्राइंड रहता है वो लोग का। हम लोग के गेम्स में ऐसा रहता है एक सेट वर्ल्ड कप टाइप रहता है, जैसे क्रिकेट में रहता है, फुटबॉल में रहता है, तो हर साल वो होता है। तो उधर लाइक क्वालिफाई होना ऐसा प्लेयर का गोल रहता है, पैसा वैसा छोड़ के लाइक मनी वनी असाइड वो टूर्नामेंट में खेलना ज़रूरी है। मतलब पूरा साल खेला और उधर क्वालिफाई नहीं हुआ तो साल वेस्ट वैसा। तो जब आपका ऐसे लो पॉइंट चल रहा था कि आप हार रहे हो, फेल हो रहे हो चीज़ों में, तो फिर आपका फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया उस चीज़ से? एट दैट टाइम आई थिंक माई फैमिली वॉज मोर लाइक कि सस्टेनेबल फ्यूचर है कि नहीं इसमें। मॉम यूज़ टू गो टॉक टू नेबर्स कि हाँ मेरा बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है। नेबर्स का ऐसा एंगल वो लोग का ये था कि बच्चा गेम खेल के पैसे कमा रहा है, गैम्बलिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग वैम्बलिंग क्या कर रहा है पता नहीं। तो ये सब मैंने बहुत सुना है, बट इवेंचुअली लाइक हम जीतते थे सर, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, पेपर पे फोटो आ गया, रेडबुल पे आर्टिकल आ गया, ये सब होते गया तो लाइक धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे लोग। मेरे दिमाग में तो ये था कि अगली बार हराना कैसे सामने वाले को, तो पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसे भी नहीं हो पाया बट हाँ वही मतलब एट द एंड आई वॉज विनिंग इन विद इन इंडिया एंड आई वॉज लाइक विनिंग फॉर लाइक 5-7 ईयर्स स्ट्रेट। तो ऐसा 15-16 साल का बच्चा महीने का 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए कमा रहा है तो ठीक है, मामला ठीक है, जाने दो करो जो करने करो। आपका नाम क्रॉली है तो उसका मतलब क्या है? मिस्टर क्रॉली इज अ सॉन्ग एक्चुअली, इट्स फ्रॉम द आर्टिस्ट ऑजी ऑसबोर्न। ऑल्सो मैं बचपन में एक सुपर नेचुरल करके टीवी शो देखता था तो उसमें भी था, तो थोड़ा कनेक्शन है, इंस्पिरेशन है, कनेक्टेड है थोड़ा। दैट्स नाइस। तो फिर गेमिंग की वजह से आपने कितनी ट्रॉफीज जीती और आप किधर किधर घूमे हो अराउंड द वर्ल्ड? नंबर ऑफ कंट्रीज तो याद नहीं मुझे सच बताओ तो, बट 2 पासपोर्ट मेरा भर चुका है पूरा। और ट्रॉफीज? ट्रॉफीज काउंटिंग तो याद नहीं बट काफ़ी है, लाइक 50-60 से ज़्यादा है आराम से। थैंक यू सो मच हमारे पास आने के लिए और हमारे साथ इतने फन एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू।